अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ हिररा शाहिद आई एम योर टीचर ऑफ़ मैथमेटिक्स नाउ कम टू योर लेक्चर क्लास वर्क एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर नाउ कम टू योर डायरी डू वर्कशीट ऑफ यूनिट नंबर सेवन मेक श्योर आप लोगों ने यूनिट नंबर सेवन की वर्कशीट करनी है और आपने वर्कशीट स्कूल नहीं भेजनी आपने वर्कशीट स्कूल नहीं भेजनी जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे हम खुद आपकी वहीं पे चेक कर देंगे तो आप लोगों ने वर्कशीट स्कूल नहीं भेजनी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करना है नाउ कम टू दिस नंबर सीक्वेंस लुक एट दिस एग्जाम्पल हाउ वी कैन सॉल्व इट लुक एट दिस माइनस सिक्स माइनस फाइव कॉमा माइनस थ्री माइनस ज़ीरो माइनस फोर कॉमा डैश कॉमा डैश आप लोग इसमें देखो हम लोग पहले भी करते थे लेकिन हमारे बहुत सिंपल होते थे कुछ भी ऐड हो जाता था कुछ सब्जेक्ट हो जाता था लेकिन क्लास सिक्स में थोड़ा सा इसके आप लोगों ने एक तो आप लोगों ने रूल्स लिखने हैं उसके अलावा आप लोगों ने इसमें आप लोग इसमें देखो कि थोड़े से डिफरेंट है ये नंबर सीक्वेंस नो लुक एट दिस माइनस फाइव और सॉरी माइनस सिक्स और माइनस फाइव इसमें कितना डिफरेंस है इसमें किसका डिफरेंस है वन का लेकिन हम लोग देखेंगे माइनस फाइव प्लस वन सो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस फाइव इसका मतलब कि इस नंबर सीक्वेंस का रूल क्या होगा लेकिन हम लोग इसको आगे भी देख लेते हैं पहले माइनस इसमें यहां पर क्या प्लस हो रहा है वन अब आप लोग नेक्स्ट पे आ जाओ अब देखो यहाँ पर वन का डिफरेंस नहीं है माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव और माइनस थ्री में किसका डिफरेंस है टू का अगर हम लोग माइनस फाइव प्लस टू करें तो आंसर क्या होगा माइनस थ्री ना लुक एट दिस अब हम लोग माइनस थ्री में जब थ्री प्लस करते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना आप सब के एक सीक्वेंस बन रही है वन टू थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री आंसर इज ज़ीरो क्यों प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री ज़ीरो अब आप देखो जीरो अब यहाँ पर आगे क्या प्लस हो रहा है फोर इसका मतलब ये सीक्वेंस चल रही है हम लोगों ने पहले वन प्लस किया फिर हमने टू प्लस किया फिर हमने थ्री प्लस किया सॉरी अब हमने वन प्लस किया टू प्लस किया थ्री प्लस किया फिर हमने फोर प्लस किया तो अब हम क्या प्लस करेंगे फाइव यस yes. अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा फोर प्लस फाइव आंसर इज नाइन अब हम लोग क्या प्लस करेंगे सिक्स सो नाइन प्लस सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन तो इस नंबर सीक्वेंस का रूल क्या होगा आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व भी करना है और फिर आप लोगों ने मार्कर से इस तरह से रूल लिखना है रूल क्या होगा एड फाइव टू ईच टर्म एड सॉरी एड वन कॉमा टू कॉमा थ्री फोर फाइव सिक्स शो ऑन टू ईट टर्म आगे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो ऐट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू ईच टर्म टू गेट अ न्यू टर्म या आप लोग इस तरह से लिख सकते हो ऐट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन टू द प्रसिडिंग टर्म ठीक है आप लोगों ने रूल्स जो होते हैं वो आप लोगों ने खुद से लिख लिया नाउ कम टू दिस नंबर सीक्वेंस हंड्रेड कॉमा नाइन्टी एट कॉमा नाइन्टी फाइव कॉमा नाइन्टी थ्री कॉमा नाइन्टी अब हम लोग देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है हम लोग नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हमने सबसे पहले देखा कि हंड्रेड और ट्वेंटी एट में कितने का डिफरेंस है माइनस टू का अगर हम लोग हंड्रेड में से टू माइनस करें तो हमारा आंसर क्या होता है नाइन्टी एट तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं नाइन्टी एट कॉमा नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट में से हम क्या माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट या फिर प्लस करें कि हमारा आंसर आ जाए नाइन्टी फाइव यस हम नाइन्टी एट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर करें कि हमारा आंसर नाइन्टी फाइव आ जाए थ्री सो नाइन्टी एट माइनस थ्री आंसर इज नाइन्टी फाइव अब हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं नाइन्टी फाइव और नाइन्टी थ्री का डिफरेंस हमें हम लोग इस तरह से कर सकते हैं नाइन्टी फाइव और नाइन्टी थ्री का डिफरेंस तो क्या आंसर आ जाएगा टू अब हम अगेन क्या माइनस कर रहे हैं टू और नेक्स्ट फिर हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं माइनस थ्री इसका मतलब ये इस तरह से सीक्वेंस चल रही है पहले हमने टू माइनस करना है फिर हमने थ्री माइनस करना है फिर टू फिर थ्री एंड सो ऑन अब हम लोगों ने माइनस थ्री कर दिया अब हम लोगों ने क्या करना है माइनस टू नाइन्टी में से माइनस टू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा एटी एट अब हमने एट्टी एट में से क्या माइनस करना है माइनस थ्री एटी एट में से जब हम लोग थ्री माइनस करेंगे सो द आंसर विल बी एटी फाइव उसके बाद आप लोगों ने एज़ इट इज़ रूल जरूर लिखना है इसमें रूल क्या होगा सब्ट्रैक्ट टू देन थ्री कॉमा टू कॉमा थ्री सो ऑन टू द द्रिसडिंग टर्म टू गेट द न्यू टर्म Now come to this one comma three comma nine comma twenty seven हर नंबर सीक्वेंस में रूल डिफरेंस डिफरेंट होता है अब आप लोग यहाँ पर खुद से देखो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वन के बाद थ्री आ रहा है थ्री के बाद नाइन आ रहा है नाइन के बाद ट्वेंटी सेवन आ रहा है आपको क्या लगता है हर अब थिंक अबाउट इट यस yes, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से ना लुक एट दिस सबसे पहले आप लोग इसमें रूल लिखोगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय थ्री टू गेट द न्यू टर्म मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय थ्री मल्टीप्लाई ईज टर्म बाय थ्री अब आप लोग देखो अगर हम लोग वन को क्या करेंगे थ्री हो जाता है एक तो हम प्लस टू कर सकते हैं तो थ्री हो जाता है और एक हम मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो थ्री हो जाता है फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे नाइन आ जाए यस yes, हम लोग हम लोग अगर थ्री को थ्री में मल्टी मल मतलब हम लोग अगर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा नाइन लेकिन यहाँ पर टू का तो आया ही नहीं यहाँ पर तो फिर सिक्स का आ गया इस वजह से अब हम लोग क्या करें? करेंगे इसमें क्या हो रहा है वन मल्टीप्लाई बाय थ्री तो क्या आंसर आ गया थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री आंसर विल बी नाइन नाइन मल्टीप्लाई बाय थ्री आंसर विल बी ट्वेंटी सेवन अब इसका मतलब हम लोगों ने क्या करना है ट्वेंटी सेवन को मल्टीप्लाई बाय कर देना है थ्री से सो द आंसर इज एटी वन अगर हम लोग ट्वेंटी सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा एटी वन ना एटी वन मल्टीप्लाई बाई थ्री अब हम लोग अगर एटी वन को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा टू फोर्टी थ्री इट्स वेरी ईजी आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है हम लोगों ने हर आ, हर नंबर में देखा कि वन को पहले थ्री से मल्टीप्लाई किया है फिर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ गया है नाइन नाइन को मल्टीप्लाई बाई थ्री किया है सो द आंसर विल बी ट्वेंटी सेवन इसी तरह हम लोगों ने अगला अगली दो ब्लैंक्स में नंबर कैसे फाइन करना है हम लोग सबसे पहले ट्वेंटी सेवन को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से सो द आंसर विल बी एटी वन and then we will multiply 81 by 3 so the answer will be 243 now come to this number sequence it's different now look at this 1 comma 1 comma 2 comma 3 comma 5 आप लोग खुद सोचो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं hurry up हरिम आप लोग इसमें देखो वन कॉमा वन वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव आप लोग देखो हम क्या करें हम लोग ठीक है हम लोग वन uh, में कुछ भी नहीं प्लस करते जीरो प्लस कर देते हैं वन आ गया वन में वन प्लस कर देते हैं टू आ गया टू में वन प्लस कर देते हैं थ्री आ गया थ्री में वन प्लस कर देते हैं फाइव आ गया आगे अब हम क्या करें हरिया, इसमें आप लोग देखो कि इस तरह के भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकते हैं कि वी हैव टू ऐड ईच प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द न्यू टर्म अब आप लोग यहाँ पर देखो अगर हम लोग वन प्लस वन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टू अब हम लोग टू प्लस थ्री टू प्रिस टर्म वी आर एडिंग टू प्रिस टर्म टू प्लस थ्री आंसर विल भी फाइव आंसर विल भी फाइव अब हम लोग देखेंगे थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव वी आर एडिंग द प्रिसीडिंग टर्म्स टू प्रिस टर्म्स टू गेट द न्यू टर्म वन प्लस वन आंसर इज टू टू प्लस वन आंसर इज थ्री और थ्री प्लस टू आंसर इज फाइव अब हम लोग देखो सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आना यहाँ पर प्लस आना है थ्री प्लस फाइव सो द आंसर विल बी एट अब हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा एट अब हम लोगों ने क्या करना है एट प्लस फाइव एट प्लस फाइव सो द आंसर विल बी थर्टीन तो हमारी नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा थर्टीन और इसका रूल आप लोग क्या लिख सकते हैं